हेलो, किसी भी सुप्रीमेसिस्ट मलयाली कम्युनिस्ट से आर्ग्यूमेंट करके देख लीजिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब इनके पास कोई फैक्चुअल या लॉजिकल रिस्पांस नहीं होता है तो ये लिटरेसी रेट का टॉन्ट जरूर मारते हैं। हर चीज़ का डिफेंस है 100% लिटरेसी रेट। नो डाउट केरला एक एजुकेटेड स्टेट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का ही है। तो ये जो लिटरेसी रेट है ये वाकई उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत रोबस्ट रहा है इस वजह से है, या इसके पीछे कोई और रीज़न है? आइए इसका एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करने से पहले ही मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी आर्ग्यूमेंट्स केरला स्टेट या फिर मलयाली लोगों के खिलाफ नहीं है, जैसा कि इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जाएगी। केरला इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, उनकी काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है, ट्रेडिशंस है, नॉलेज है, नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, जाने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर्स केरला ने हमें दिए हैं। मेरी आर्ग्यूमेंट इनके खिलाफ नहीं है, मेरी आर्ग्यूमेंट केरला गवर्नेंस, केरला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है और उन सुप्रीमेसिस्ट कम्युनिस्ट्स के खिलाफ है जो कि लिटरेसी रेट की आड़ लेकर दूसरे स्टेट्स पे टॉन्ट्स मारते हैं। तो सबसे पहले तो लिटरेसी रेट 100% नहीं है, 96.2% है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राइड की बात है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में, MCQs में क्वेश्चन भी आते थे। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि सबसे एजुकेटेड स्टेट केरला है। बट ये 96.2% इस वजह से नहीं है कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले केरला का एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्शनल है या इन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बिगिनर्स एडवांटेज। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब केरला का लिटरेसी रेट ऑलरेडी 47% था, इंडिया का नेशनल एवरेज उस समय 18% था, यूपी और बिहार का लिटरेसी रेट 10-13% के आसपास था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम केरला का लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम इंडिया में मिशनरीज आते थे। ये मिशनरीज क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे, ये अपनी बुक्स को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, यहाँ के लोगों को पढ़ाते थे, उन्होंने स्कूल बनाए, एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया, और ये सब उन्होंने किया इंडिया के मोस्टली वेस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि वो यूरोप से आते थे, रास्ता यही ट्रेवल करते थे। वो यूरोप से निकलते थे अफ्रीका होते हुए इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुँचते थे, इसलिए मिशनरी एजुकेशन का ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर ही हुआ, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब इसमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल लाइन तो है ही है, लेकिन वो साथ ही साथ मेनलैंड में भी बहुत अंदर तक फैले हुए हैं। सो जो एजुकेशन का इम्पैक्ट कोस्टल लाइन पे हुआ भी, वो ओवरऑल जब आप लिटरेसी रेट देखेंगे उस स्टेट की, तो वो डाइल्यूट हो गया, इसलिए वो कम हो गया। लेकिन केरला तो पूरा का पूरा कोस्टल स्टेट ही है। सो यहाँ पर मिशनरी एजुकेशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तब केरला की आधी आबादी जो है वो ऑलरेडी एजुकेटेड थी। तो मिशनरीज और उनके एजुकेशन सिस्टम का फोकस इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर रहा। अब इसमें मेनलैंड स्टेट्स की तो गलती नहीं है, अगर मिशनरीज ने एजुकेशन के नाम पर यूपी, बिहार या और बाकी स्टेट्स में कुछ खास नहीं किया तो इसमें वहाँ के लोगों की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि पूरा इंडिया तो जो है ब्रिटिशर्स के अंडर ही था उस समय। हम अपनी सरकारें तो खुद चुनते नहीं थे, जो वो लोग हमारे लिए डिसाइड करते थे वही होता था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो खैर स्टेट्स को आपस में कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कंपैरिजन हो भी रहा है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पैरामीटर्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि प्री इंडिपेंडेंस। तो अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पैरामीटर्स कंपेयर करें तो केरला 47% से 96% पहुंचा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली डबल कर ली है उन्होंने अपनी लिटरेसी रेट। उतने ही सालों में यूपी 13% से 73% पे पहुंच गया है और बिहार 12% से 70% पे पहुंच गया है। सो इन पैरामीटर्स को अगर आप जिस तरह से कंपेयर करना चाहे कर सकते हैं, चाहे आप परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे नेट गेन इन परसेंटेज कर सकते हैं, चाहे टाइम्स कर सकते हैं, किसी भी तरह से कंपेयर कर लें, यूपी और बिहार या कोई भी स्टेट्स आप ले लो, उन सब का परफॉर्मेंस ओवरऑल केरला से बेटर रहा है। एक और कन्फाउंडिंग फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि इंडिपेंडेंस के टाइम केरला की ऑलरेडी 50% पॉपुलेशन लगभग पढ़ी लिखी थी। सो जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में ऑलरेडी लोग पढ़े लिखे हों इतनी भारी संख्या में, तो बाकी लोगों को पढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं मिलता है सोसाइटी से। वहीं पर वो पॉपुलेशन यूपी और बिहार या बाकी जो स्टेट्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम, जहां पर लिटरेसी रेट 9%, 10%, 11%, 12% था, वहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। ऐसी सोसाइटी में लोग रेजिस्ट करते हैं लिटरेसी को कि क्या ज़रूरत है, हमें नहीं पढ़ना, अंग्रेजी वाला सिस्टम हमें नहीं करना। इस रेजिस्टेंस के बावजूद इन सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंस केरला से बेटर रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस। चलिए एनीवे, जैसे भी है, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन फिलहाल सच यही है कि केरला इंडिया का सबसे एजुकेटेड स्टेट है।
तो मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जब कश्मीर के बाद ISIS के लिए सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट केरला से होता हो? दूसरा सवाल, क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जब केरला का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 36% है, जो कि नेशनल एवरेज के डबल से भी ज़्यादा है? और अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होती है यहाँ पे। केरला को हमेशा से या तो कम्युनिस्ट ने रूल किया है या फिर कांग्रेस ने रूल किया है, जो कि सोशलिस्ट पॉलिसी ही फॉलो करती है। तो ये जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट होते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट होने ही नहीं देते। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगे? एक हाल का ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको। किटेक्स एक क्लोदिंग कंपनी है जो कि बच्चों के कपड़े बनाने वाली दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, और ये अब तक केरला का प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता था। इनके MD साबू जेकब ने इस इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि दुनिया आगे चली गई है, केरला अभी भी 50 साल पीछे है। उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उनके कंटिन्यूस हैरेसमेंट को रीज़न बताते हुए इस इन्वेस्टमेंट को वापस लिया, और अब वो तेलंगाना चले गए हैं अपनी कंपनी को लेके। और उनके ये डिसीजन लेते ही किटेक्स का जो स्टॉक प्राइस है वो 13% ऊपर हो गया। तीसरा सवाल, क्या फ़ायदा है ऐसी एजुकेशन का जब कोविड रिस्पॉन्स के मामले में केरला इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स? इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में तो देश में जितने भी कोविड केसेस हो रहे हैं उनके 1/3 अकेले केरला से आ रहे हैं। अब इसके डिफेंस में कुछ लोग कहेंगे वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि केरला ही अकेला ऑनेस्ट स्टेट है जो अपने डेटा जैसा है वो वैसा दिखा रहा है, बाकी स्टेट जो हैं वो अपने डेटा में हेर फेर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, डेटा में हेर फेर करने की खबरें तो केरला से भी आ रही हैं। चौथा सवाल, क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जब दहेज देने के मामले में केरला नंबर 1 स्टेट है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है। इनफैक्ट दहेज को लेकर जो क्राइम्स होते हैं वो भी केरला में तेजी से बढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं फिर से समराइज करूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद केरला या मलयाली लोगों के अगेंस्ट कुछ बोलना बिल्कुल नहीं है। मैं एड्रेस कर रहा हूं केरला गवर्नेंस को, जो हमेशा से लेफ्टिस्ट या फिर सोशलिस्ट पार्टीज के हाथों में ही रही है, और दूसरा वो सुप्रीमेसिस्ट कम्युनिस्ट लोग जो कि लिटरेसी रेट की आड़ में इंडिया के बाकी स्टेट्स के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स कसते हैं। आप मानोगे नहीं मानोगे आपके ऊपर है, लेकिन ये जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं इनकी पॉलिसीज ने स्टेट को काफ़ी पीछे धकेल दिया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। केरला की इकोनॉमी अगर चल रही है तो उसके पीछे दो बड़े रीज़न है, एक है टूरिज्म और दूसरा है कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, वो गल्फ में जाते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट को स्टेट के सस्टेन करने का क्रेडिट देना बिल्कुल गलत है। लास्टली, अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट करें। प्लीज़ ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।